सर जाना चाहूँगी, सर जाना चाहूँगी स्क्रिप्टिस के बारे में कि पहला एक्सपीरियंस है या पहले भी आपने एक्सप्लोर किया है? नहीं, एक और किया है, लेकिन ये जो है बॉलीवुड ड्रीम्स की एक पहल है। उसमें क्या है कि इसके जो साजन अग्रवाल जी हैं, उन लोग भी बहुत पुराने दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, तो हमेशा वो कोई ना कोई आइडिया लेके आते हैं। फिर आइडिया अच्छा लगा तो इसमें चार पांच बड़े महत्वपूर्ण एक्टर लेके अलग अलग कहानी का जो है समाज के बीच में हर कॉर्नर्स पे जो घटती है उसको लेके एक जो स्मॉल स्मॉल स्टोरीज हैं, तो एक स्टोरी मैं कर रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया कॉन्सेप्ट अच्छा है। संजीव चड्ढा इसके डायरेक्टर हैं और साजन अग्रवाल इसके प्रोड्यूसर हैं, दोनों दोस्त हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो किरदार के बारे में जानना चाहूँ, क्या किरदार? अब किरदार तो ये छोटी सी फिल्म है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, तो वो देख के ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहानी किरदार के बारे में तो खैर मुझसे पूछना ठीक नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और बड़ा लोगों को जैसे एंटरटेन करते करते ब्यूटीफुल मैसेज लास्ट में दे दें। और बोलते हैं ना कि अच्छी कहानी हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, लास्ट में जो लाफ राइट एंटरटेनमेंट के साथ में जो है वो मतलब अपन एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल परिवारों के लिए एक मैसेज दे दें तो बहुत अच्छी बात। सर, हाल फिलहाल में काफ़ी सारे वेब सीरीज आए, इसके ऑडियंस काफ़ी हिट भी हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? आप कितना फॉलो कर रहे हैं और कौन सा ऐसा वेब सीरीज आपको? मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि फिल्म शूटिंग्स में बिजी रहता हूँ, लेकिन वेब सीरीज़ का जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इससे बहुत सारे लोग जो है इससे जुड़ रहे हैं और अगला बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका। काफ़ी सर ये मी टू मूवमेंट तक पूरा रेंज पे है, हर कोई बात कर रहे हैं, आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि जो शोषण हो रहा होता है या हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़? नो कमेंट सर।